नमस्कार, सचिव रसोई में आपका बहुत स्वागत है। आज हम आपको दो ऐसी ड्रिंक दिखाएंगे जो बच्चों को पीने में स्वाद लगेगी और उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी रहेगी। ये एनर्जी ड्रिंक के लिए हमने एक गिलास दूध लिया और 10 से 15 बादाम और इसमें एक चम्मच सौंफ, 4 इलायची और 4 किशमिश है और ये एक चम्मच चीनी का। आप इसको ज्यादा या कम कर सकते हैं। अब हम इसे ब्लेंड करेंगे। ये बादाम हमने 4 घंटे से भिगो रखे थे। ये चटनी की तरह पीसूंगी मैं इनको। इनको भी मैंने भिगो रखा था गर्म दूध में। बहुत ही अच्छी ड्रिंक बनेगी और आपको बहुत एनर्जी देगी ये। अब हम इसको ब्लेंड कर लेते हैं। अब हम इसे थोड़ा सा दूध डाल के दोबारा से ब्लेंड करेंगे। अब हम इसको छानेंगे। बहुत ही कम टाइम में बहुत ही अच्छी ड्रिंक बनेगी। आप इसमें दोस्तों दूध की जगह पानी भी डाल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है दूध ही डालना। ये हमारी ड्रिंक तैयार है और ये 3-4 चीजों से बनी है, कोई ज्यादा सामान नहीं है। इसे आप खुद भी पिए और अपने बच्चों को भी पिलाइए और सारा दिन आप एनर्जी फील करोगे। दूसरी ड्रिंक के लिए मैंने बादाम और गेहूं लिए हैं इक्वल मात्रा में, जिसको मैंने रात को ही भिगोया था और सुबह मैंने इनका छिलका उतारा। अब इनमें से हमने पानी, बच्चों के लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी ड्रिंक है। अब मैं इसमें वनीला एसेंस डालूंगी 1/2 चम्मच। आप इसमें इलायची भी डाल सकते हो। इसका कोई टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ खुशबू के लिए है। आप हो तो आपके पास डालिए, कोई जरूरी नहीं है। अब हम इसमें शहद डाल लेंगे। ये मैंने 4 चम्मच शहद के लिए है। अब मैंने इसमें 4 धागे केसर के भिगो के रखे थे, इससे इसका टेस्ट भी आएगा और ये अच्छी भी लगेगी। एक केसर के धागे थोड़ा सा दूध गर्म करके उसमें भिगोने हैं। अब हम मिक्सर को चलाएंगे। ये हमने बिना पानी के पीसा है थोड़ा सा इसको। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको दोबारा से ब्लेंडर चलाएंगे। ये हमारे बादाम और गेहूँ पीसे। अब हम इसको इसमें थोड़ा सा बर्फ डालेंगे। दोबारा से फिर इसको ग्राइंड करें। ये हमारी ड्रिंक तैयार है। बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। आप इस ड्रिंक में 1/2 चीनी और 1/2 शहद भी डाल सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है ये। छोटी छलनी में इसमें काफी टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं इसको बड़ी छलनी से छान रही हूँ। दोस्तों जो ये इसका छिलका बचा है, आप इसको सब्जी में भी डाल सकते हैं, ग्रेवी बन जाएगी आपकी। और आटा गूंथते टाइम आटे में डाल सकते हैं। पसंद आई तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाएं और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें।